स्टॉक का नाम है मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। लगभग 84-85 रुपए के आसपास स्टॉक अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। दीपांशु जी, मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक एक बहुत बड़ी रीरेटिंग के लिए तैयार है, जो कि टेक्निकल चार्ट पर विजिबल है। स्टॉक ने अपना जो एक मेजर रेजिस्टेंस था चार्ट पर लगभग 84-85 का, उसको पार कर एक नया हाई बनाया 100 रुपए के आसपास, और वापस से अपने सपोर्ट को रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिली। अच्छी बात जो स्टॉक में मुझे नजर आती है वो ये है कि स्टॉक अपने सपोर्ट के बहुत पास है, तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस बनता है वो बहुत छोटा है, जो कि सिर्फ 80 रुपए का है पोजिशनल बेसिस पर। अगर स्टॉक 80 रुपए के नीचे क्लोज होता है तो आपको ये एग्जिट करना है, वरना इस स्टॉक को होल्ड करने की सलाह है, ना केवल शॉर्ट टू मीडियम टर्म बल्कि लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से भी। मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक यहाँ से डबलर हो सकता है आने वाले एक साल के अंदर। फंडामेंटली भी हमने देखा कि स्टॉक में अपना जो डेट है वो कंपनी हिमांशु जी का ऑडियो थोड़ा सा डाउन हो चुका है, लेकिन मैंगलोर केमिकल ये है वो बेहतरीन पिक, और ये हमारा SIP स्टॉक भी रह चुका है। फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मजबूत शेयर, यहाँ पर खरीदारी करने की राय हिमांशु जी की तरफ से आती हुई दिख रही। तो मैंगलोर केमिकल्स ये है वो स्टॉक जहाँ पर खरीदारी करें आप, ये है आपके लिए राय। 80 रुपए का लगाइएगा स्टॉप लॉस और ऊपर की तरफ का टारगेट 150 का, और एग्रेसिव टारगेट आते हुए दिख रहे हैं हिमांशु जी की तरफ से 10 की कमाई के तौर पर। मैंगलोर केमिकल दोनों ही